भारतीय सैनिकों पर चीनियों द्वारा गलवान घाटी में किए गए कायराना हमले का विरोध पूरे देश में हो रहा है। वहीं सिंगरौली में शिवसेना ने चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। सिंगरौली जिले के लोग चीन के प्रति आक्रोशित हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा भारत के एक कर्नल सहित 20 जवानों के ऊपर कायराना हमला किया गया था, जिससे हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। शिवसेना जिला इकाई के प्रमुख वी के श्रीवास्तव व बी एन त्रिपाठी रीवा संभाग प्रवक्ता के साथ ही शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैढ़न रामलीला मैदान स्थित अम्बेडकर चौक पर भारत माता की जय जय शिवाजी जिंदाबाद करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया और आक्रोश जताया। चीनी सामानों की होली जलाई। बी एन त्रिपाठी ने कहा कि देश के साथ ही सिंगरौली जिले के सभी लोगों को चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग जो चीनी सामान खरीदते हैं उसी पैसे से हमारा दुश्मन चीन हमारे ही सैनिकों पर हमला करता है, हमारे ही देश की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। पी एन त्रिपाठी ने कहा कि हम लोगों का आज चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया है, चीनी सामानों का भी हम लोगों ने बहिष्कार किया है, होली जलाई है। देशवासियों को जागरूक होना चाहिए, अपने देश की बनी हुई चीज़ों को खरीदना चाहिए, जिससे हमारा पैसा हमारे ही देश के काम आए। चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। चीन के द्वारा जैसे कारनामा हरकत भारत के साथ किया जा रहा है, उसी के आलोक में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। समस्त भारतवासियों से मेरा संदेश है, मेरा निवेदन है, शिवसेना जिला इकाई सिंगरौली का समस्त अनुसांगिक संगठन का निवेदन है कि चीन के सामान का बहिष्कार करें और भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करें। इसी के तारतम्य में आज समस्त पदाधिकारी अम्बेडकर चौक में उपस्थित होकर के चीन के जितने भी बने सामान हैं उनकी होली जलाई जा रही है। और आज यह संदेश शिवसेना यह संदेश दे रही है कि समस्त भारतवासी जागरूक हों, समस्त भारत के एक एक जन जन जागरूक हों कि चीन वस्तुओं के विरोध में आगे आएँ और चीनी वस्तुओं का उपयोग न करें। देश में उपस्थित ही जितनी ही वस्तुएँ उपयोग में हैं उन्हीं का उपयोग करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।